दिल्ली में लाल किला हिंसा के मुख्य दोषी मने जाते दीप सिद्धू की पुलिस हिरासत 7 दिन होर बढ़ा दी गई है। मंगलवार को कोर्ट में पेशी दौरान क्राइम ब्रांच वालों दीप सिद्धू की रिमांड बढ़ाने की मांग की गई थी, जिस तों बाद कोर्ट ने यह फैसला लिया है। इस तो पहला भी हिंसा के मुख्य दोषी दीप सिद्धू 7 दिन पुलिस रिमांड से भेजा गया। क्राइम ब्रांच की लंबी पूछगिछ में दीप ने लाल किला से हिंसा को लेकर कई हैरान करने वाले खुलासे किए सन। दिल्ली हिंसा की योजना का पर्दाफाश करने लिए क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट कमिश्नर बीके सिंह ते डीसीपी मोनिका भारद्वाज ने भी दीप सिद्धू तो पुछगिछ की। इस तों अलावा किसी वड्डी साजिश की संभावना के मद्देनज़र आईपी के अधिकारी भी दीप तो पुछगिछ में शामिल हुए सन। दस दिए कि 26 जनवरी को हजारों की गिनती में प्रदर्शनकारी किसान बैरीकेड तोड़ के राष्ट्रीय राजधानी में दाखिल हो गए थे। आईटीओ समेत होर थावां ते पुलिस मुलाजमान नाल झड़पां भी हुई सन। कई प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर चलाते हुए लाल किले से पहुंच गए थे। इतिहासिक स्मारक में प्रवेश कर गए थे। उसकी प्राचीर से निशान साहब लहरा दिता सी, जिस तों बाद मामला काफ़ी तूल फड़ रहा सी। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी तो बाद दीप लगातार पुलिस रिमांड से है, तो उस तों लगातार पूछताछ की जा रही है। फिलहाल अज दीप दीआं मुश्किलां होर वधदीआं दिखाई दे रही ने। अदालत ने दीप का 7 दिन रिमांड होर बढ़ा दिता है।